जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, आज हम आपको श्याम बाबा की एक ऐसी बहन से मिलवाने वाले हैं जिनकी भक्ति, प्रेम और विश्वास में बनकर श्याम बाबा स्वयं राखी बंधवाने आए। आइए देखते हैं ये सब कैसे हुआ। ये लो प्रसाद। सुनो, इस बार दीदी नहीं आ पाएगी, उनकी तबीयत खराब है, इसलिए मैं जा रहा हूँ राखी बंधवाने। जी बहुत अच्छी बात है, मैं नाश्ता बना देती हूँ, कुछ खा के चले जाना। नहीं, नाश्ता रहने दो, तुम भी साथ चलो तो दीदी को अच्छा लगेगा। जी मैं फिर कभी चली जाऊंगी, आप चले जाओ। अच्छा तो तुम्हें भी तो अपने घर जाना होगा ना। जी मेरा मन नहीं है। अरे कोई बात नहीं, चले जाना, त्योहार रोज रोज थोड़ा ही आता है। अच्छा मैं चलता हूँ, ठीक है, चले जाना तुम भी। हैं? ठीक है। बाबा मुझे किस पाप की सजा दी है? मेरे पैदा होते ही मेरी माँ छीन ली, अब मुझे कोई भाई नहीं दिया। जो मिला उसका कुछ पता नहीं कि वो है कहाँ। बाबा आज रक्षाबंधन है, सभी बहनें अपने भाई को राखी बांधने घर जाती है, पर बाबा मैं कहाँ जाऊं? बाबा मैं कहाँ जाऊं? बाबा मैं कहाँ जाऊं? बबली, बबली, हे बबली। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बेटा, जी तारो ठीक हो? बबली कहाँ है? देखिए मैं उसकी पसंद की चीजें और कपड़े लेके आया हूँ। चाचा जी कैसे उदास हो? बेटा उसकी शादी हुए तो 3 साल हो गए। अच्छा, उसने मेरे बगैर शादी भी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। आज रक्षाबंधन है, आने दो उसे, आज बताता हूँ। बेटा पता नहीं वो इस बार आएगी भी या नहीं। 3 साल से रक्षाबंधन के दिन राखी लेकर पूरा दिन तुम्हारा इंतजार करती रहती थी। और जब तुम नहीं आते थे तो राखी मंदिर में रखकर वो खूब रोती थी। जा बेटा, तेरी राखियां आज भी मंदिर में रखी हैं, जाकर के ले ले। चाचा जी
राखी तो मैंने ले ली। आप मुझे बबली का फोन नंबर और पता दे दीजिए, मैं उससे मिलने जाऊंगा। देख लो बेटा, हो सकता है वो हर साल की तरह इस बार भी आ जाए। ठीक है चाचा जी, मैं माँ से मिलके आता हूँ, मैं तो सीधा यहीं पे आ गया था। ठीक है। चाचा जी आ गई बबली? नहीं बेटे, बोलो तो नहीं आई बबली। नहीं आई तो ठीक है, आप मुझे उसका पता और फोन नंबर दे दीजिए, मैं वहीं जाकर उससे राखी बंधवा लूंगा। अच्छा तो ले लिख ले। हाँ जी बताइए। ठीक है। ठीक है चाचा जी, अच्छा मैं चलता हूँ। आराम से जाइयो। ठीक है जी। श्याम बेटा। जी माँ। कहाँ जाने की तैयारी है? माँ मैं बबली के घर जा रहा हूँ राखी बंधवाने के लिए। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। क्यों माँ? 3 साल बाद घर आया है, मानसी आएगी उससे राखी ना बंधवाएगा। अरे माँ, माँ मानसी बांध तो रही है 3 साल से भैया को राखी, इस साल भी बांध लेगी। अच्छा मानसी से राखी नहीं बंधवाएगा, फिर क्या जरूरत है बबली से बंधवाने की? वो कभी आई है हमारे घर पर राखी बांधने के लिए? उसने तो कभी ये भी नहीं पूछा कि तू कैसा है और कहाँ है। माँ तूने सीधे मुँह कभी उससे बात की है? हाँ बुरी तो मैं ही हूँ। देख बबली 3 साल से है ना मेरे लिए राखी लेके आती थी, लेकिन इस बार नहीं आ पाई, इसलिए मैं बबली से मिलने उसके घर जा रहा हूँ। हाँ तुझे तो उसी की चिंता है। हेलो श्याम, तू? हाँ बबली, मैं श्याम, पहचान लिया तूने? हाँ भाई, कहाँ था तू इतने दिनों से? मेरी छोड़, तू बता तू ठीक है ना? मैं घर आया था, तू राखी बांधने ही नहीं आई। भाई मैं अभी आती हूँ। नहीं तू मत आ, मैं आ रहा हूँ, बता तेरे लिए क्या लाऊं? नहीं भाई मेरे लिए तो तू ही सब कुछ है, तू आ जा, जब तक मैं तेरी पसंद का खाना बनाती हूँ। ठीक है मैं आ रहा हूँ। श्याम बाबा आज तूने इस बहन की पुकार सुन ली, आज मेरा भाई आ रहा है, मैं आज बहुत खुश हूँ बाबा, आज मैं बहुत खुश हूँ।
भैया भाभी को भी ले आते, मैं भी उनसे मिल लेती। अरे भैया मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, उन्हें भी तो जाना होगा राखी बांधने। हाँ घर जाने के लिए कह तो रही थी, पर मुझे पता नहीं है वो जाएगी नहीं जाएगी, शायद उसकी तबीयत खराब है। भैया मेरी भी तो तबीयत खराब थी, आप भी तो आए हो, हो सकता है भाभी का भाई भी आ जाए राखी बंधवाने। अभी यहीं खड़ी रहेगी, ये अंदर भी बुलाएगी। अरे भाई चलो अंदर चलो। बता मेरी बहन तुझे क्या चाहिए? नहीं भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप आ गए मुझे सब कुछ मिल गया। ठीक है, तेरी राखी मुझ पर उधार रही, मैं वादा करता हूँ तू जब भी कुछ मांगेगी मैं वो तुझे जरूर दूंगा। ठीक है लाडो, अब मैं चलता हूँ। अच्छा जो मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया वो कौन खाएगा? तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। हेलो। हेलो हाँ जी, आप कौन बोल रहे हैं? माँ जी जिसका ये फोन है उनका एक्सीडेंट हो गया है। क्या? वे फिलहाल बेहोश है, सिटी हॉस्पिटल में भर्ती है, आप आ जाइए। मैंने पहले कहा था उस गनुई के पास मत जा, पैदा होते अपनी माँ को खा गई, मेरा बच्चा पता नहीं कैसा होगा, किस हाल में होगा। हाँ पापा। बेटी बबली शाम का एक्सीडेंट हो गया, काफी चोट आई है शाम को। क्या? पापा शाम ठीक तो है ना? बेटा वो अभी बेहोश है, डॉक्टर कह रहे हैं ठीक हो जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। कौन से हॉस्पिटल में है? सिटी हॉस्पिटल में है बेटा। पापा मैं अभी आती हूँ। ठीक है बेटा आ जा। बाबा मेरे भाई को कुछ ना हुआ हो, बाबा मैंने
आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, मेरे भाई को ठीक कर दो बाबा, मेरे भाई को ठीक कर दो बाबा। अगर वो ठीक नहीं हुआ तो इस रक्षाबंधन के त्योहार पे सबका विश्वास उठ जाएगा और कोई भाई अपनी बहन से राखी नहीं बंधवाएगा बाबा, कोई राखी नहीं बंधवाएगा। मेरी राखी की लाज रख लो बाबा, मेरी राखी की लाज रख लो बाबा, मेरी राखी की लाज रख लो बाबा। बबली बेटा, उसे अभी अभी घर लेकर गए हैं, चल बैठ। शाम बेटा पानी पी लो, पानी। मैंने तुझे कितना रोका, मत जा, पर तू मेरी सुनता कब है? कैसी हालत होगी मेरे बेटे की? श्याम, श्याम, वहीं रुक जा। श्याम, श्याम। चाची, श्याम कैसा है? श्याम कैसा है? ये सब तेरे कारण हुआ है। उसका एक्सीडेंट हुआ तेरे कारण। वो आज मौत के मुंह में था तेरे कारण। और तू पूछ रही है श्याम कैसा है? मैं तेरा साया भी नहीं पटने दूंगी उसके ऊपर। जा, निकल जा मेरे घर से। माँ, आने दो बबली को। बबली, श्याम तू कैसा है? श्याम तो ठीक तो है ना, पर ये सब कैसे हुआ? अरे कुछ नहीं, हल्की मोटी चोटें हैं। पर मेरी बहन, तू ये तो बता, तू 3 साल से थी कहाँ? तुझे अपने भाई की याद नहीं आई? मुझे भी तेरी बहुत याद आ रही थी, हर बार मैं घर आई पर तू मुझे नहीं मिला। बहन, मुझे भी बहुत याद आई तेरी। पर भाई तू रो मत, चुप हो जा, तू ठीक तो है ना? अरे पगली, तेरे होते हुए भला मुझे कुछ हो सकता है? मुझे तेरी इन राखियों ने बचा लिया। चल अब ऐसा कर, मुझे राखी तो बांध दे। मगर भैया, जब तुम घर आए थे मैंने तुम्हें राखी बांधी थी। मुझे? पर मैं तो तेरे घर गया ही नहीं। अब झूठ बोल रहे हो ना भैया? नहीं पगली, भला मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगा? मैं तुझे फोन करके निकला।
मैं बहुत खुश था कि आज 3 साल बाद अपनी बहन से राखी बंधवाऊंगा। मैं बचपन की बातें याद करता हुआ जा रहा था। श्याम बाबा, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। मैं अगर नहीं पहुंचा तो उसका दिल टूट जाएगा। बाबा, और कितने परेशान हो गए उसकी। कुछ कृपा करो बाबा, कुछ कृपा करो, कुछ कृपा करो। बहन, शायद श्याम बाबा ने मेरी पुकार सुन ली और मेरे रूप में वो खुद तुमसे राखी बंधवाने आए। तू कितनी भाग्यशाली है जो तूने श्याम बाबा को अपने भाई के रूप में पा लिया। बबली बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत बुरा भला कहा। नहीं चाची, आप तो मेरी माँ जैसे हो और आप तो मार भी सकते हो, डांट भी सकते हो, पर आप माफी मत मांगो मुझसे। बेटे चुप हो जा। श्याम बाबा की कृपा से हमारा बच्चा ठीक है। बोलो श्याम प्यारे की जय। नमस्कार दोस्तों, बीआरएम फिल्म्स की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जो शरीर से शीश झुकाता है वो सब कुछ यहाँ से पाता है। जो शरीर से शीश झुकाता है वो सब कुछ यहाँ से पाता है। किटकी किटकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या।